पूरी शक्ति के साथ बोले क्लीम कालिकाय और शक्ति से पूरे जोर से मन में मंत्र का जाप करें। मन में ऐसे ही नाभि तक वाइब्रेशन जानी चाहिए। मन में मंत्र का जाप कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, ध्यान आपका आपके इष्ट की ओर, जिनका भी आप ध्यान करते हो, माता जी का करते हो, साईं बाबा जी का करते हो, शंकर भगवान का करते हो। As you listen to the sound of the mantra, keep your back straight and you should feel the vibration reach your belly button chakra, all the while being one with your Ishtadevta.
मन में ऐसी भावना करें कि मेरे साथ जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी है, मेरी भक्ति में बाधा डालती है, मुझे आगे बढ़ने से रोकती है, वो मेरे जीवन का जो मकसद है उसको पूरा होने से रोकती है। वो ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी हो, हमारी बुद्धि की नेगेटिव एनर्जी हो, पास्ट लाइफ की नेगेटिव कर्म हो, मंत्र की शक्ति, ध्यान की शक्ति, इन सब कारणों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। आप सिमरण करें, वो जिस ढंग से आपको बता रहे हैं ध्यान करें, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। ये आपका अंतर का सफर इतना आनंददायक बन जाता है, आपके मन की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करने लगते हो। मन से भावना करें, आपका फर्स्ट चक्र, सेकंड चक्र, थर्ड चक्र, फोर्थ चक्र, फिफ्थ चक्र, सिक्स चक्र सभी क्लीन हो रहे हैं। मूलाधार से शुरू करके धीरे धीरे इस एनर्जी को सेकंड चक्र पे ले जाएं, थर्ड चक्र पे ले जाएं, हार्ट चक्र पे, विशुद्धि चक्र पे ले जाएं, कंठ चक्र पे, आज्ञा चक्र पे ले जाएं। जैसे जैसे हम क्लीन करते हैं, हमारी ओरा की शक्ति बढ़ने लगती है। आमतौर पे 3 फीट होती है, 6 फीट होती है, ऐसी स्थिति में 5 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर तक भी ओरा चली जाती है चारों ओर से। हम सेंटर में है हमारी ओरा, और जब हम कभी क्रोध में होते हैं, हम नेगेटिव एनर्जी लिए होते हैं, हमारी पूरा बिल्कुल सिकुड़ जाती है। गाय की सेवा जो करते हैं, गाय के पास जाने से भी हमारी ओरा मजबूत होती है। सभी पशु पक्षियों में गाय की ओरा 3 मीटर, 3.5 मीटर तक होती, कभी कभी इससे भी ज्यादा होती है। आजकल तो ओरा को मापने के अंतर आ गए हैं, उससे भी पता चलता है अपनी ओरा को और मजबूत करने की कोशिश करें। हमारा सब नेगेटिव नष्ट हो चुका है ऐसी भावना करेंगे,